देवी और सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार एक और व्लॉग के साथ। और मुझे उम्मीद है आप कोरोना महामारी से सुरक्षित हैं। आज की जो जर्नी है वो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल मेरे लिए और आपके लिए भी, क्योंकि तो मेरे पीछे जो बस है वो दुल्हन की तरह सजी हुई है। और इसका ये रीज़न है कि आज होने वाला है इसका फर्स्ट कमर्शियल रन। तो ये जो एक वॉल्वो मल्टी एक्सल बस है, लेंथ है 14.95 मीटर, बॉडी जो है वो बनाई है वीरा वाहनन है, और ये जो एक स्लीपर कम सेमी स्लीपर बस है। तो इंटीरियर्स और एमिनिटीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, फिलहाल के लिए आप सब्सक्राइब दबा दीजिए। तो इंटीरियर जो है कुछ इस तरह से, लेफ्ट में जो है वो है दो स्लीपर बर्थ, लोअर में भी और अपर में भी, और राइट में स्लीपर बर्थ, और नीचे जो है सीट, ये सीट जो है सेमी स्लीपर है। आप देख सकते हैं नीचे लेगरेस दिया हुआ है। और बर्थ की बात करें वो कुछ इस तरह से है, आपको एमिनिटीज में मिल जाता है एक अच्छा सा पिलो, और ब्लैंकेट भी बहुत जल्द मिलेगा। और ये जो है बैक रेस्ट है आपके लिए, दो रीडिंग लैम्प, चार्जिंग पॉइंट और एसी के वेंट्स है, और कर्टन्स तो हैं। ये जो है लोअर और अपर दोनों टाइप के स्लीपर बर्थ्स के लिए मिलता है, साथ ही में आपको मिलता है एक लगेज रैक विथ बॉटल होल्डर एंड एसी वेंट्स, डबल एसी के वेंट्स, और कर्टन्स तो है ही। और सीट जो है कुछ इस तरह से, हनीकॉम सीट्स है विथ लेग रेस्ट, और पुश बैक है, हैंड रेस्ट है दो अच्छे, और इसका रीडिंग लैम्प, एसी का वेंट्स, और ये रहा सॉकेट चार्जिंग पॉइंट। तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सब कुछ अच्छा दिया हुआ है। और सीट्स जो है कुछ इस तरह से, आप पुश बैक करके आराम से जा सकते हैं। अभी जस्ट गैरेज से निकले हैं, और इसका ऑफिशियल जो बोर्डिंग पॉइंट है वो मैं आपको थोड़ी देर में बाद में दिखाता हूँ। तो ब्रांड न्यू बस के लिए एक ब्रांड न्यू लाइक तो बनता है ना, और आप भी बन जाइए मेरे ब्रांड न्यू सब्सक्राइबर। तो ये जो है सीट है, और बर्थ जो है मैं तो आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। बर्थ का जो कंफर्ट है, इवेंट ट्रेन का फर्स्ट एसी भी उसको फेल कर देगा, क्योंकि वीरा देता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कुशन, और काफ़ी मज़ा आता है। मैं पहले वीरा में राइड ले चुका, लेकिन व्लॉग उस टाइम नहीं करता था, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। बर्थ में भी कम्फर्ट में थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ, लेकिन पहले
चलते हैं तेंजिंग नॉर्गे बस स्टैंड और बाकी बातें वहीं पे करेंगे। और फिलहाल जो है मैं किसी और के बर्थ पे बैठ गया, मतलब मेरा आपार है, आप कितनी बार चढ़ना उतरना होगा, इससे अच्छा दूसरे किसी के ले लो, बस तो खाली जा रही है फिलहाल। तो हाँ, ये है बर्थ का कंफर्ट। पीछे जो है आपको एक अच्छा सा एक बैकरेस्ट मिलता है और इसमें आप आराम से सो के भी जा सकते हैं। और जब बैठेंगे आप, मतलब आप मान लीजिए लंबी जर्नी कर रहे हैं 12 घंटे की, 14 घंटे की, इवन 20 आवर्स, तो आप आराम से बैठ भी सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप बैठेंगे तब नीचे जो इनबिल्ट पिलो रहता है वो चुभेगा। सो इट इज़ वेरी गुड, दिस बैकरेस्ट इज़ वेरी गुड फॉर स्लीपर बर्थ। बैठ के भी जा सकते हैं आराम से और जब सोएंगे तब तो मज़ा ही मज़ा है, क्योंकि कुशन जो है मैं आपको बोल रहा हूँ काफ़ी। और कुशन जो है वो लाजवाब है, मैंने आपको बताया, मैं पहले भी ट्रैवल कर चुका हूँ, वीरा काफ़ी कंफर्टेबल कुशन देता है। हालांकि बहुत चीज़ें कस्टमाइजेबल है, जैसे कि कर्टन, सीट्स, एसी, सब कुछ, लेकिन हाँ कुशंस तो यार बहुत ही बढ़िया है, बोलना पड़ेगा। तो आप जो है अपने घर से निकले और बाहर की जो इनक्रेडिबल इंडिया है वो एक्सप्लोर करें विथ पोलोमी परिवहन। तो अभी जो है अपन पहुंच गए इसका ऑफिशियल बोर्डिंग पॉइंट तेंजिंग नॉर्गे बस स्टैंड में, और यहाँ से जो है लगभग हर जगह की बस निकलती है, हमारी बस भी खड़ी है। डिपार्चर टाइम जो यहाँ से 6 बजे है, 6 PM। हाँ, डिस्टेंस जो है होने वाला है 500 किलोमीटर, टाइम लगने वाले 12-13 घंटे। और अब हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लगभग 15-16 पैसेंजर्स हुए हैं आज, पैसेंजर ज़्यादा नहीं हुए, फर्स्ट डे की रन है। मुझे उम्मीद है आप लोग ये ब्लॉग अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि पैसेंजर्स को अच्छी सर्विस मिलेगी और सर्विस को अच्छे पैसेंजर्स। और फेयर की जो बात करें वो अभी बिल्कुल फिक्स नहीं हुआ है, 1400, 1300, 1500, बहुत तरह के फेयर्स है। अभी ऑफलाइन बुक में मैंने किसी का 1200 भी देखा। तो फेयर जो है आप रेड बस या फिर पोलोमी परिवहन के वेबसाइट या ऐप पे चेक कर सकते हैं। फेयर जो है डायनामिक है और मार्केट के डिमांड के हिसाब से ड्रॉप और हाइक होता है। तो यही बात है, मैंने अपनी सीट बुक करी 1500 में, ये जो है स्लीपर है। और जिस रोड से जाने वाले हैं कोलकाता, लास्ट बार दोनों उसी रोड से गए थे और ये डिस्टेंस हमको लग गया था 18-20 घंटे के आसपास, तो उम्मीद है कि इस बार कम लगेगा। और NH34 जो है अच्छा नहीं है, सब लोगों को पता है, सिलीगुड़ी से कोलकाता जो लोग जाते हैं उनको पता है ये रोड जो है बहुत जगह जो है गड्ढे वड्ढे हैं, और ट्रैफिक की तो बात ही नहीं करूँगा, किसी भी टाइम 3-4 घंटे का जाम लग जाएगा। सो देखते हैं कितना टाइम लग सकता है, और मुझे उम्मीद है कल हम सुबह एस्प्लैनेड पहुँच जाएँ। तो बस चलिए शुरू करते हैं हमारी जर्नी। और हम जो है फर्स्ट डे पैसेंजर्स है, इसलिए हमको एक स्पेशल गिफ्ट मिला है, इसमें जो है मिठाई है, 4 मिठाई है और एक स्लाइस है। तो थैंक यू ओनर सर, जो आपने ये तोहफा दिया, और होना भी चाहिए क्योंकि फर्स्ट रन के पैसेंजर्स है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। बस लगभग मान लीजिए आप 20 पैसेंजर्स हो गए, काफ़ी पैसेंजर्स उनको रनिंग में मिल गया। लोग जो है बस देख के काफ़ी लोगों को जो है बस देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम में भी तेंजिंग नॉर्वे पे ये बस देख रहे थे। बस चलते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो मैं आपको पोलोमी परिवहन के बारे में बता दूं, ये एक सिलीगुड़ी बेस्ड ऑपरेटर है, इनके पास टोटल 6 लग्जरी सेगमेंट की बसेज है, जो कि 5 वॉल्वो B11 इंक्लूडिंग दिस वन और एक स्कैनिया मल्टी एक्सल, उनमें मैंने कभी जर्नी नहीं करी, पोलोमी परिवहन में मेरा फर्स्ट टाइम है।
और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सीटर जो है सेमी स्लीपर जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है हनीकॉम सीट से। और ओनर से जो है हमारी बात हुई गैराज में, और शुभो सर जो है उन्होंने कहा कि जो कस्टमाइजेशन है उन्होंने इस गाड़ी में टॉप नॉच करवाया है, एंड वो बात सच है। काफ़ी अच्छा है सीट जो है, इट इज़ मोर कम्फर्टेबल दैन एनी 2x2 सेमी स्लीपर वॉल्वोस। अच्छा है, और हेडरूम थोड़ा सा माइट भी कम हो अगर आपका कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉब्लम आए। मेरा भी लगभग टच हो रहा है, लेकिन सीट्स जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। और तो स्लीपर पे जो है मैं थोड़ी देर बाट चलूँगा, तब तक मैं आपको बता दूँ इसके बोर्डिंग पॉइंट्स है तेंजिंग नॉर्गे बस स्टैंड, फिर सिलीगुड़ी शिव मंदिर, और आखिरी में है बागडोगरा विदान। और ये तीन बोर्डिंग पॉइंट है, यहाँ से आप बोर्ड कर सकते हैं। और अगर आप बीच में कहीं से जर्नी करना चाहते हैं, जैसे भी मालदा हो गया, किशनगंज हो गया, तो आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। आपको फेयर जो है वो ऑलमोस्ट सेम लग जाएगा, तो आपको जो है किशनगंज सिलीगुड़ी डालखोला जहाँ से भी आप बुक करें आपको वहाँ से चढ़ा लिया जाएगा। ये थी बात, और एंजॉय कीजिए इस जर्नी को। तो शुभ सर थैंक यू फॉर दिस, और कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस फॉर योर न्यू बस। मुझे उम्मीद है आपको लुबिगोरी वन को ऐसे ही आगे और ऊपर ले जाए इन फ्यूचर। माइंड ब्लोइंग गाइस, माइंड ब्लोइंग। पिलो जो है वो मतलब इतना अच्छा लग रहा है, जो 5-star या 3-star होटल्स में रहते हैं वो वाले पिलो एकदम सॉफ्ट, और जनरली बस में जो रहते हैं छोटे छोटे पिलोज वो नहीं, एकदम बिल्कुल होटल क्वालिटी टॉप क्वालिटी पिलोज। और काफ़ी मज़ा आ रहा है, स्लीपर में तो आपको मज़ा आएगा ही। आप कुछ लोअर चाहिए तो लोअर बुक कीजिए, अपर चाहिए तो अपर बुक कीजिए। स्लीपर में आपको भरपूर मज़ा आएगा, और सेमी जो है वो भी बहुत अच्छा है, मैंने आपको बताया कंफर्टेबल है और अच्छा है देन एनी जनरल सेमी स्लीपर। तो काफ़ी अच्छी बस बनाई है एंड मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये बस कैसी लगी। तो अभी जो है हम इस्लामपुर से थोड़ा पहले एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं फ्यूल डलवाने के लिए। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने पी ब्रेक भी ले लिया नेचर्स कॉल के लिए, तो ठीक है। ये बीच बीच में आपको ब्रेक्स मिलते रहेंगे, और दो मेजर ब्रेक्स मिलेंगे, एक जो है वो होगा गाजोल पे और एक जो है कृष्णनगर पे। इसके अलावा अगर आपका इमरजेंसी या कुछ भी है तो रोक देते, इतनी हेल्प स्टाफ करते, लेकिन बार बार बस ना रुकवाएं। जब जब भी रुकें तब कर लें, क्योंकि इससे टाइम तो काफ़ी सारा वेस्ट होता है। ঠিক আছে যে ওখানে কোনো একটা ডিস্টার্ব হয়েছে, তুই চুপচাপ থাক। ও যখন বলে দিয়েছে চুপচাপ থাক, আমি তো বলছি এক কথার পরিবর্তন আমি দেব, কথা দিলাম কথার পরিবর্তন।
এটা আমরা ওই সব গেম গুলো খেলি আর এখন মানে রিয়েল গেম দেখছি। अभी जो है कुछ देर पहले हमने रायगंज क्रॉस करा और जो रेस्ट स्टॉप है डिनर का हमारा वो होने वाला है गाजोल में। तो वो आप मान लीजिए कि लगभग रात के 12 बज जाएंगे और सबसे बुरी चीज़ NH-34 की ये कि टाइम की गारंटी कोई नहीं दे सकता, ना ऑपरेटर दे सकता है, ना कोई भी नहीं दे सकता। तो अभी जो है रात के 11:30 बजे और हम पहुंच गए गाजोल। सिलीगुड़ी से जो है 215 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। बस जो है वो लेट है, आधा घंटा 45 मिनट जो है लेट है, क्योंकि डालकोला में जाम था और इस रूट पे कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो देखते हैं क्या ऑप्शन है यहाँ पे गाजोल पे रुके, एक छोटे से रेस्टोरेंट पे, छोटे से ढाबे पे। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है, क्या फूड ऑप्शन है। और मोस्टली आपको हॉल्ट जो है गाजोल में दिया जाएगा, अगर कहीं पर बस ज़्यादा लेट हो जाती है तो डालकोला में देते हैं, डालकोला का खाना अच्छा नहीं है। तो आप देख लीजिए, आपको होम से फूड करेंगे ना तो वो बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन गाजोल में यहाँ पे टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा। तो खाने की बात करें, आपको जो है थाली वगैरह मिल जाएगी, वेज थाली, एक थाली, ये सब जो है बंगाली फूड जो है ऊपर अवेलेबल है। और साथ में आपको एक चाय और ब्रेड ऑमलेट का स्टॉल मिलेगा, तो मैंने ले लिया ब्रेड ऑमलेट, 40 रुपीज़ का है। और खाने के लिए जो भी आपको ऊपर मिल जाएगा, आधे घंटे का टाइम रहता है, रेस्ट रूम ठीक ठाक है। तो ये बात है, टेस्ट करके बताता हूँ, काफ़ी जो अच्छा ये। और अगर आपको कुछ लाइट खाना है, विल रिकमेंड दिस ओनली, क्योंकि ये लाइट फॉर पॉकेट है और लाइट फॉर स्टमक है। अच्छा लगेगा, वैसे भी जर्नी करते टाइम ज़्यादा मैं खाता नहीं, तो ये मेरे लिए सही है और टेस्ट इसका अच्छा है।
চার্জ হবে। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मैंने तो थोड़ी देर बढ़िया सी रेस्ट कर ली और हम आके पहुँचे कृष्णनगर। यहाँ पे शंकर मिष्ठान भंडार पे रुके हैं 10 मिनट के लिए, 10 मिनट का होल्ड देते हैं यहाँ पे चाय के लिए, टॉयलेट के लिए, तो आप चाय टॉयलेट यहाँ पे कर सकते हैं। और अभी भी हमारी काफ़ी जर्नी बची हुई है क्योंकि आगे का रोड ख़राब है, तो 3-3.5 घंटे कुछ भी लग सकते हैं। देखते हैं एग्जैक्टली कब पहुँचते हैं स्टैंडर्ड। और चलिए मैं एक चाय पी लेता हूँ फिर चलते हैं कोलकाता। देखिए देखिए वो रिवाजा My heart rages around like an ocean. Thank you.
तो गाइस अभी सुबह 7 बज रहे हैं और हम कोलकाता एंटर हो चुके हैं। यहाँ के ड्रॉपिंग पॉइंट्स की बात करें वो है 1200 मधुमा एयरपोर्ट, और अगर आपके पास सामान नहीं है तो उल्टोडांगा और फिर सीधा जाके एस्प्लेनेड। तो पैसेंजर्स जो है काफ़ी उतर चुके हैं, राणा घाट उस साइड, चाकुली, वो सब भी उतर चुके हैं आपने। तो बस अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, मेरे हिसाब से 30-40 मिनट के अंदर हम एस्प्लेनेड पहुँच जाएंगे। और अभी बस एयरपोर्ट आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप एंजॉय कीजिए कोलकाता का ट्रैफिक। শরীর খারাপ বলে আসতে পারে নাহলে আসতো। तो गाइस अभी सुबह के 7:45 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं एस्प्लेनेड के L20 बस स्टैंड। हमारी बस हो चुकी है, टोटल टाइम जो लगा वो लगा 13.5 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा, मे बी 39-35 मिनट समथिंग। और जर्नी जो है काफ़ी अच्छी रही, मुझे फ़िलहाल भागना पड़ेगा टुवर्ड्स हावड़ा क्योंकि मेरी ट्रेन है घर जाने की और काफ़ी टाइम तक ट्रेन नहीं थी तो वही करानी पड़ी। और जर्नी की बात करें काफ़ी अच्छी जर्नी थी, पोलोमी परिवहन की तरफ से कोई कमी नहीं थी, काफ़ी अच्छा बस है। आप सिलीगुड़ी जाएंगे तो इस बस से जाइए, स्लीपर काफ़ी कंफर्टेबल है, सीट काफ़ी अच्छी है और फेयर भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, टाइम ज़्यादा नहीं लगा। टाइम थोड़ा सा ट्रैफिक था इसलिए लग गया 13.5 घंटे, लेकिन वैसे 12-12.5 घंटे के अंदर आप सिलीगुड़ी से एस्प्लेनेड आ जाते हैं। तो यही थी सर्विस की बात, और भी जर्नीज बची है इंडिया की, पंजाब की, राजस्थान की, हिमाचल की, तो सब्सक्राइब करिए क्योंकि आप वर्चुअली देख सकते हैं इंडिया मेरे साथ। साइनिंग ऑफ फ्रॉम एस्प्लेनेड विद पोलोमी बिरा, याद रखें तूफान आंधी आए बरसात हर मंगलवार आपके साथ।